बच्चों, आज हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे, लक्ष्मी का उपवास। और इसको बच्चों ध्यान से सुनिएगा, कहानी बहुत अच्छी है। और तो आइए हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। किसी नगर में एक धनवान व्यक्ति था। उसके चार बेटे थे। चारों बेटों का विवाह हुआ, घर में बहुएं आईं, परंतु वे सभी बात बात में लड़ती झगड़ती रहती थी, जिसके कारण दिन रात अशांत और कलह मची रहती थी। एक रात को धनवान व्यक्ति ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उसने देखा कि धन की लक्ष्मी उससे कह रही हैं कि अब मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ। धनी व्यक्ति लक्ष्मी जी के पैरों पर गिर गया और बोला, देवी, मैंने तो आपके पूजा पाठ में कोई कसर नहीं उठा रखी है, फिर आपने मेरे घर से जाने का निश्चय कैसे कर लिया? मुझसे कौन सी ऐसी भूल हो गई कि आप मेरे घर से प्रस्थान करने लगी? जिस घर में कला होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, मैं वहाँ नहीं रह सकती। हाँ, मैं तो तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। यदि तुझे कुछ और मांगना हो तो मांग ले, लक्ष्मी जी बोली। धनिक बोला, आप मुझे वरदान दें कि मेरे घर में प्रेम एकता बनी रहे और कभी कोई किसी से लड़े झगड़े नहीं। तथास्तु कहकर लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो गई। अगले दिन धनिक के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। जब उसने देखा कि चारों बहुएं आपस में प्रेम से बातें कर रही हैं तथा उनका स्वभाव भी बदल गया है, धनिक ने मन ही मन संतोष की सांस ली और लक्ष्मी जी का धन्यवाद किया। कुछ दिन बाद धनिक ने फिर एक स्वप्न देखा। उसने देखा कि लक्ष्मी जी उसके घर में वापस आ गई। धनिक ने लक्ष्मी जी के पुनः घर में आने के लिए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनका बार बार धन्यवाद किया। लक्ष्मी जी बोली, पुत्र, इसमें धन्यवाद देने की कोई बात नहीं है। जहाँ प्रेम, शांति, एकता और सौहार्द होता है, वहाँ मैं स्वयं पहुँच जाती हूँ। तो ये है बच्चों कहानी लक्ष्मी का वास। लक्ष्मी का वास कैसे होता है? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और लड़ाई झगड़ा घर में नहीं करना चाहिए, तभी हमारे घर में लक्ष्मी का वास होगा और सुख संपन्नता बनी रहेगी। तो इस वीडियो में कहानी बस इतना ही है। कहानी सुनने के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।